आज हम बात करेंगे केकेआर वर्सेस आरसीबी का मैच, मैच नंबर 36। एम किंग स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। ये भारत का उभरता हुआ स्पोर्ट्स चैनल है। आज हम बात कर रहे हैं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो कि केकेआर और आरसीबी का मैच होने वाला है, उसके बारे में फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। गाइस, पिछला मैच जो कि आरसीबी जीत सकती थी, पर जीता हुआ मैच हार गई केकेआर के हाथों ईडन गार्डन के अंदर, जो मैच जिताया था शार्दुल ठाकुर ने। आज हम बात करेंगे क्या केकेआर ये मैच जीत सकती है या आरसीबी अपनी पुरानी हार का बदला आज लेगी। चलिए गाइस बात करते हैं। इससे पहले मैं चाहूंगा गाइस कि जो लोग ड्रीम इलेवन फैंटेसी लीग खेलते हैं या जो लोग मैच खेलते हैं या जो लोग टॉस खेलते हैं, उन लोगों को फाइनल रिपोर्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और साथ में फुल डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में मिलेगा। मगर बारीक से बारीक अगर आपको एनालिसिस चाहिए मैच का, तो हमारे mkingsports.com पे जाइए गाइस, जहां पे आपको फुल डिटेल एनालिसिस मिलेगा हमारे आईपीएल के सभी मैचेस का, और जो बाकी मैचेस हो रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट के, वो भी आपको वहीं पे मिलेगा mkingsports.com पे ब्लॉग के थ्रू डीडे। और प्लस आपको डेली अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए गाइस। अब हम बात करते हैं आज के मैच की गाइस। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा गाइस, लास्ट में एक बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं मैं आपको। पहले बात करते हैं बल्लेबाजों को मदद करती है। आप अपनी ड्रीम इलेवन या फैंटेसी लीग में ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन को पिक कर सकते हैं, और साथ ही बैटिंग ऑलराउंडर्स को भी आपको अपनी टीम में रखना है। अगर फैंटेसी पॉइंट्स की बात करें तो गाइस, फर्स्ट बैटिंग के फैंटेसी पॉइंट्स में आपको बैट्समैन ज्यादा पिक करने हैं 244, और साथ में बॉलिंग 143 पॉइंट्स आपको लेके देगी गाइस। सेकंड इनिंग में बात करें तो बैटिंग 237 पॉइंट्स देगी और बॉलिंग 166 आपको पॉइंट्स देगी गाइस। आप लोग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और विकेट टेकिंग बॉलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं गाइस। मैं आपको आगे बताऊंगा कौन से हैं वो बैट्समैन और कौन से हैं वो बॉलर्स। पिच पेसर्स और स्पिनर्स को इक्वली सपोर्ट करता है गाइस। तो अगर जो लोग वो का वीडियो देख रहे थे, कोई दूसरा वे बोल रहे इसको ज्यादा पिक करे इसको ज्यादा पिक करे, तो आपको गाइस ये गलती नहीं करनी है। आपको दोनों इक्वली ही लेने हैं, चाहे वो पेसर्स हो चाहे वो बैट्समैन। अब हम बात करते हैं टॉस जीत के आपको क्या करना है। यहाँ पे इस ग्राउंड के अंदर चेज ज्यादा होता है गाइस, तो चेजेस के ज्यादा चांसेस है 60%, और पहले बैटिंग करने वाली टीम के चांसेस जीतने के यहाँ 40% है गाइस। तो आप अपनी टीम में उन प्लेयर्स को ज्यादा लेना जो टीम दूसरी पारी में बैटिंग करे, क्योंकि गाइस चेजिंग ग्राउंड है, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। इस मैदान पर ज्यादा चलने वाले कैप्टन वाइस कैप्टन कौन हो सकते हैं गाइस? अगर हम इस वेन्यू पे बात करें, सबसे ज्यादा इस वेन्यू पे रन बनाए हैं आरसीबी की तरफ से गाइस, वो है फैब डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली और दिनेश कार्तिक ने गाइस। साथ में गाइस अगर हम यहाँ पे देखें कि विकेट किसने ज्यादा लिए है इसी वेन्यू पे गाइस, तो वो है विशांक और मोहम्मद सिराज और वनिंदु हसरंगा गाइस और हर्षद पटेल गाइस। कोलकाता की बात करें तो गाइस, कोलकाता से आप यहाँ पे गाइस जरूर रखिएगा जेसन रॉय को, नितेश राणा को, रिंकू सिंह को, वेंकटेश अय्यर को, आंद्रे रसल को अपनी टीम में जरूर रखिएगा। और पिछली बार जो मैन ऑफ द मैच में थे, अगर शार्दुल ठाकुर यहाँ खेलते तो उन्हें जरूर